हेलो जी गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई पिछला वाला ब्लॉग आपने देखा जो कि था हमारे रामपुर जाने तक का, और रामपुर जाने के बाद मैंने काफी सारी क्लिप शूट करा, काफी ज्यादा मजा करा, पर भाई मैं डायरेक्टली आपके लिए 1-to-1 कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं जस्ट अभी इंट्रो शूट कर रहा हूँ और अब आगे आपके साथ शेयर करूंगा सारी क्लिप्स जो मैंने रामपुर में शूट करी, काफी ज्यादा मजे की क्लिप्स हैं। तो इसलिए अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या तफरी करी, क्या क्या मजे करे रामपुर में जाके। तो जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग से पता है, हम सुबह के 4 बजे निकले थे और पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 11-12 बज गए थे। तो पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने बैग निकाले गाड़ी में से, और जो 2-3 काम थे कि जैसे चाय के लिए दूध वगैरह लाना और ये सब कुछ करके फिर मैं डायरेक्ट सो गया था। और सोने के बाद मैं उठा लगभग 8:30-9 बजे तक भाई, और उठा भी इस वजह से क्योंकि भाई बाहर से ठोकने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा जाके भाई क्या हो रहा है बाहर, बाहर हमारे घर की हो रही थी सजावट, क्योंकि भाई सब जगह की करके आ चुके थे। जैसा कि आप देख सकते हो पूरे मोहल्ले में सजावट हो चुकी थी, क्योंकि हमारा जो घर है भाई वो बिल्कुल एंट्री पे ही है गली के, ये समझ लो कि थोड़ी सी अंदर जाने के बाद हमारा घर आ जाता है और फिर पूरी गली बहुत अंदर तक गहराई तक जाती है। और भाई ये देखो सुबह हो चुकी थी और मेरी आंटी का लड़का आया हुआ था और भाई हम निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि भाई आपको पता ही है भाई प्लस भाई इज इक्वल टू थवाई। तो घूमते फिर रहे थे, रामपुर की कुछ खास जगहें हैं जहाँ पे हम घूमने जा रहे थे जैसे कि आप देख सकते हो। तो भाई कुछ इसी तरीके की शैतानियां करते करते हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट गांधी समाधि, और ये देख लो भाई कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे और भी लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं, मैंने कईयों की वीडियो देखी भी है, इसी वजह से हम यहाँ पे पहुंच गए। पर यहाँ पे हम रुके नहीं क्योंकि हमारा यहीं से प्लान बन गया था कि अब सिविल लाइन तक आ गए तो कपड़े लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि मेरा भाई जो है भाई एक दिन के प्लान से आया था पर उसकी मम्मी रुक गई, तो भाई इसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। तो भाई यहीं से सिविल लाइन चलेगा क्योंकि सिविल लाइन पर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया ब्रांड है कपड़ों की। तो बस कुछ इसी तरीके से इन्जॉय करा इसको गाड़ी में बैठे बैठे। और ये देखो भाई हम पूरी तरीके से पागल हो चुके थे घूमते फिरते, ये देखो कैसे कैसे गाने सुन रहे थे और मजा भी आ रहा था भाई इन्हीं गानों सुनने में। देखा आपने लापरवाही करना। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके थे कपड़े वाले की दुकान से, यहां से हमने लेने थे बढ़िया बढ़िया कपड़े पैंट शर्ट वगैरह, और भाई रास्ते में लौटते लौटते हमें मिल गया जुलूस। जैसा कि आप देख सकते हो बारफात वाला दिन था और हम पागलों वाली हरकतें करते फिर रहे थे, फिर भी हमें रास्ते में जुलूस मिल गया। तो हमने थोड़ा बहुत रुक के जुलूस भी देखा, काफी इंजॉय करा और फिर घर गए और खा पी के सो गए, क्योंकि भाई रामपुर जाने के बाद जिंदगी का एक ही मकसद बचता है कि खाओ पियो ऐश करो सो जाओ और फिर दोबारा से यही कंटिन्यू करो। तो भाई यही लूप में चलता रहता रामपुर में। और फिर भाई हम जाके डायरेक्ट शाम के वक्त, और शाम के वक्त उठने के बाद लगी कुछ भूख तो हमने फिर से गाड़ी उठाई और निकल गए बाजार की ओर चिकन शोरमा खाने के लिए। और साथ ही साथ भाई इस प्यारे से सनसेट के व्यू का भी मजा लेते हुए जा रहे थे रास्ते। तो जी शोरमा ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए किले के गेट। जैसा कि आप देख सकते हो ये असली का एक किले का गेट है जो कि पहले के टाइम पे नवाब का किला होता था, और उसका ये गेट है बड़ा सा, और इसी के यहाँ पे स्टॉल लगने लग गए अब काफी सारे जिसमें बढ़िया बढ़िया खाने का सामान मिलता था, और हमें भी शोरमा यही मिल गया। तो हमने यहाँ से खाई भी और पैक भी करा के लेके गए घर वालों के लिए। तो जी यहाँ पे हुआ रामपुर का सफर खत्म, और साथ में जो मेरा भाई घूम रहा था इसका भी साथ खत्म हुआ यहीं पे, और यहाँ से फिर हम निकल गए मुरादाबाद के लिए। और वहां जाते ही भाई मामा का लड़का फिर मुझे गाड़ी में बैठा के ले गया और दिखा के लाया सारी सजावट, क्योंकि भाई रामपुर से भी ज्यादा मुरादाबाद में अच्छे से मनाई जाती है बारफात। तो ये देख लो भाई कितनी खूबसूरती से सजाया था पूरे शहर को मुरादाबाद वालों ने, और क्योंकि मैं खुद ही इंजॉय कर रहा था तो भाई मैंने कोई ब्लॉग के लिए स्पेशली क्लिप शूट नहीं करी, बस स्नैप पड़ी थी ये देख लो आप। और हम गए थे भाई कहीं पे खाना खाने के लिए, तो उसकी जस्ट बगल में भाई ये देखो कुछ डक्स की फार्मिंग वगैरह चल रही थी, तो पता नहीं भाई यहाँ पे बैठे हुए थे आपस में चूतड़ से चूतड़ मिला के सारी डक, तो मैंने इनके भी हाल चाल पूछ लिए। तो भाई इतना ही था इस वाले ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे भी इस तरीके के काफी ज्यादा मजेदार ब्लॉग आने वाले। मिलते हैं कल या परसों एक और नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।